तो मैसेज लेना चाहिए कि हाँ ये हम अपने आसपास जो हम कर रहे हैं कि उनको डेली बेस पे अपने आप सफाई करते रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विशाल बजाज। कालका के अंदर मौजूद हैं हम, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन शिक्षा पर चलते हैं, उनके अनुयायी सड़कों पर उतरे हैं, साफ सफाई अभियान चला रहे हैं, झाड़ू लेकर तसले लेकर साफ सफाई अभियान चला रहे हैं। हर वर्ग का लोग इस सफाई अभियान में आहुति दे रहा है, चाहे कोई छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग महिलाएं हैं, हर वर्ग के लोग इस सफाई अभियान में जुड़े हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, क्या विचार रखते हैं, किस मोटिव के साथ ये लोग सफाई अभियान चला रहे हैं, क्या इससे समाज को फ़ायदा मिलेगा, आने वाले समाज के लिए क्या ये संदेश देना चाहते हैं, जानते हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका जी? रणधीर इंसा जी। रणधीर इंसा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके गुरुजी 40 दिन पे की पैरोल पर बाहर आए हैं, उनके बाहर आते ही जो ये सफाई अभियान शुरू किया आपने, किस मोटिव के साथ ये लोग कर रहे हो, क्या हमारे समाज को मैसेज आता? हमारे जो दूसरे गुरुजी हैं सास्तनाम जी, उनका जन्मदिवस है 25 जनवरी का, तो उसके उपलक्ष में हम गुरुजी को बल्कि एक सफाई अभियान करके एक संदेश, बल्कि अपना एक वो दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं उनको कि हाँ भी हमने सफाई करके पूरे बल्कि हरियाणा की सफाई करके गुरुजी को गिफ्ट देना है जी। क्या आपको किसी भी तरह की शर्म महसूस नहीं हो रही है काम करते हुए? नहीं, बिल्कुल कोई शर्म नहीं महसूस हो रही है। आप गंदे नाले के अंदर घुसे पड़े हो, जहाँ पर इतनी तरह का गंदगी है, मच्छर पनप रहे हैं, फिर भी आप उसके अंदर घुस के सफाई कर रहे हैं? बिल्कुल जी, हमें ऐसी कोई स्मेल वगैरह ऐसी कोई गंदगी महसूस नहीं हो रही है, तो हमें उल्टा खुशी मिलती है कि सफाई करके हमें अपने गुरु जी को गिफ्ट देना है, तो उसके उसमें हमें मतलब पूरा प्राउड फील होता है। समाज के लोगों को इससे क्या सीख मिलती है, क्या उनको मैसेज लेना चाहिए? उनको मैसेज लेना चाहिए कि हाँ ये हम अपने आसपास जो हम कर रहे हैं कि उनको डेली बेस पे अपने आप सफाई करते रहना चाहिए। 13 के द्वारा अगर हम बात करें समाज के लिए, देश के लिए, बाबा रामधीम जी के द्वारा और क्या क्या काम चलाए गए हैं? बहुत सारे काम है जी, हमारे डेरा सच्चा सौदा के द्वारा 142-144 के आसपास जो मानवता भलाई के कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, जैसे जिसमें ब्लड डोनेशन है, रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं, गरीबों को मतलब जो लाचार हैं उनको मंथली खाना देना है, वैसे मतलब काफ़ी सारे काम हैं जिनको हम मतलब मकान बना के देना है, गरीब लड़कियों की शादी करना है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम रेगुलर करते हैं जी। नशा एक बहुत ही महीम मुद्दा बन चुका है समाज की, अगर बात करें पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक नशा हर घर घर तक पहुँच रहा है, नशे को ख़त्म करने के लिए संत जी का क्या योगदान? नशे को ख़त्म करने के लिए पिताजी ने डेफ्ट कंपेन एक चलाई है, जिसके अकॉर्डिंग मतलब काफ़ी सारे जो नशेड़ी हैं वो मतलब नशा छोड़ रहे हैं, तो वो मतलब कि गुरु जी के साथ जुड़ रहे हैं। बाकी डेरा सच्चा सौदा में जो भी कोई ऐसा है जो नशे करता है, हफ्ते भर की सेवा करते हैं, हफ्ते भर में उनका नशा कितना भी गंदे से गंदा सा नशा हो वो सब छूट जाता है। 40 दिन की पैरोल पर गुरु जी बाहर आए हैं, क्या क्या समाज को फ़ायदा मिलेगा? समाज को बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, जैसे अभी एक तो सफाई अभियान कर रहे हैं हम खुशी के उसमें, बाकी दूसरा ये कि जो नशे के उसमें डूबे हुए नौजवान हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, उनके नशे चढ़ाई चलेंगे, बीमारियों से फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ऐसे काफ़ी सारे जो मानवता भलाई के कार्य हैं वो गुरु जी के उसमें किए जाएंगे। सर एक जो अगर हम बात करें खूनदान की भी, अगर हमारे देश में बहुत सारे लोग बच्चे हैं जो थैलीसीमिया से पीड़ित रहते हैं, या ब्लड डोनेशन ब्लड की वजह से बहुत सारी मौतें हो जाती हैं, अगर ब्लड हो चाहे प्लेटलेट्स हो, जिसकी कमी के कारण हमारे देश में कहीं ना कहीं अभी ये है कि लोग करते नहीं हैं, और वहाँ डेथ केसेस बहुत है इस केस में, तो इसके बारे में डेरा के द्वारा क्या मुहिम चलाई गई है, क्या लोगों को खूनदान करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? डेरा सच्चा सौदा ने बहुत देर पहले से मतलब ब्लड डोनेशन की मुहिम चला रखी है, बल्कि डेरा सच्चा सौदा को ब्लड पंप के नाम से मतलब कि बहुत सारे लोग जानते हैं। हमारा जैसे चंडीगढ़ एरिया है, चंडीगढ़ के आसपास में मतलब कि PGI हो गया या और मतलब कि ये हो गया, इनमें बहुत ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है, तो आसपास के ब्लॉक मिलके वहाँ पे डोनेशन की वो कमी को पूरे करती है। आपने कितनी बार खूनदान किया है, क्या आपने कभी किया है खूनदान? मैंने 65 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। 65 टाइम ब्लड डोनेशन? बिल्कुल सर।
कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका? मेरा ओ पॉजिटिव है जी। 65। आपकी एज कितनी है सर? मेरी 38 है जी। 38 की एज में 65 बार खूनदान बहुत ही काबिले तारीफ काम है। किसका किसकी प्रेरणा आपके अंदर, इतना जज्बा जो आपके अंदर भरा रहता है कि आप खूनदान करते? देखो, ये गुरुजी की प्रेरणा है। उन्होंने सिखाया है कि हाँ, मानवता भलाई के काम करना है, कि हम जो भी अपना मानवता भलाई के लिए कर सकते हैं, चाहे खून ब्लड डोनेट हो, कुछ भी हो, हम खुशी से करते हैं। क्या आपको किसी तरह की कमी या डर नहीं महसूस होता खूनदान करने के बाद? नहीं, ब्लड डोनेट करने के बाद तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। बीमारियां भी, खुद की बीमारियां भी दूर होती हैं, और दूसरा जिसको ज़रूरत है उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। लास्ट में संत जी के लिए भारत सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, भारत सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि गुरु जी को ऐसे मानवता भलाई के काम अगर जो कर रहे हैं तो उनको बाहर रह के काम करने चाहिए। तो अपील है कि उनको परमानेंट बाहर भेज के तो देश की तरक्की में हिस्सा डलवाना चाहिए उनका भी। थैंक यू सो मच सर। तो ये हमारे साथ जिंदीर इंसा जी थे, जिन्होंने अपने विचार विमर्श किए और बताया कि किस तरह सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के पैरोल पर बाहर आने की खुशी में सात संगत पूरे हरियाणा प्रदेश को सफाई अभियान का जो सौगात दे रही है, बहुत ही काबिले तारीफ काम है डेरा सच्चा सौदा के द्वारा किया जा रहा है। आपके क्या विचार है हमें वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट टाइम के साथ। धन्यवाद।